हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एपी के क्वेश्चंस, पीएससी और क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है सीबीएसई 2015 में। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, रामकली रिक्वायर्ड ₹2,500 After 12 weeks, to send her daughter to school. She saved ₹100 in the first week and increase her weekly saving by ₹20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रामकली को इतने पैसे सेव चाहिए, सेव करने मतलब इतने पैसे मिनिमम चाहिए। कब चाहिए, 12 वीक्स बाद चाहिए, 12 हफ्ते बाद चाहिए। ठीक है, वो सेव कितना कर रही है, ₹100 सेव कर रही है एवरी वीक, ₹100 शी इज सेविंग एवरी वीक। और वो हर बार हर नेक्स्ट वीक में कितने से वो बढ़ा रही है, बाय ₹20 से उसे वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि क्या वो 12 महीने बाद क्या वो इतने पैसे जोड़ पाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, अब रामकली स्टार्ट कहाँ से कर रही है, यहां से। ठीक है, ही स्टार्टिंग फ्रॉम ₹100, सो रामकली'स फर्स्ट वीक सेविंग कितनी हो जाएगी, वो हो जाएंगी ₹100। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक में सेविंग कितने से बढ़ेगी, 20 से बढ़ेगी। ठीक है, तो सेकंड वीक में क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 + 20 = 120। थर्ड वीक में क्या हो जाएगी, 120 होगी ना, 120 + 20 = 140, एंड वो ऐसी चल जाएगी। अब ये क्या है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जहां पे नेक्स्ट टर्म एक सेम चीज से बढ़ रहा है, सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है, करेक्ट है। तो यहां पे देयरफॉर यहां पे फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 100, फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 100। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कितने से वो टर्म बढ़ रही है, एवरी वीक शी इज एडिंग ₹20 मोर, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है, हर बार ₹20 से बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी डिफरेंस मिल गया हमें, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 12 वीक्स में हमें चेक करना है, हमें 12 वीक में हमें चेक करना है कि क्या 12 वीक्स बाद उसके पास इतने पैसे जम जाएंगे यहाँ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, वे हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में डेटा आ गया। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास में, हमारे पास में फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एन बाय टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और चेक करेंगे कि सम ऑफ 12 वीक्स या इतना मिनिमम आएगा या नहीं आएगा। अगर इसके इक्वल या फिर इससे ज्यादा आया तो इसका मतलब शी इज एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, अगर इससे कम आया तो शी विल बी नॉट बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, करेक्ट है। तो क्या निकालेंगे, सम ऑफ 12 वीक्स मतलब सम ऑफ 12 वीक्स, हर वीक में वो कितना मतलब 12 वीक्स में वो कितना पैसा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह जाएगा, 12/2 ट्वाइस ए क्या है यहाँ पे, ए है 100 प्लस एन माइनस वन मतलब 12 - 1, डी कितना है यहाँ पे 20 है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 12/2 मतलब 6, 2 × 100 मतलब 200 प्लस 12 - 1 मतलब 11 × 20। अब यहाँ पे 6 200 प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लग गया और ये हो जाएगा 220।
और एक जीरो 220, ठीक है। अब तो ये क्या होगा, 6 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 420। इन दोनों का सम क्या होता है, 420 होता है, 2 प्लस 2 4 2 0। अब 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स कितना है हमारे पास में, 2520, विच इज ग्रेटर देन 2500। हमारे पास में सम ऑफ 12 बिट्स कितना आया यहाँ पे, 2520। मतलब वो 12 बिट्स में कितना पैसा सेव कर लेगी, वो सेव कर लेगी रामू के लिए 2520 रुपीज, विच इज ग्रेटर देन 2500, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। सो रामकली विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू द स्कूल। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था,